अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। तो तुम एक्ट्रेस बनना चाहती? जी। सही जगह आई और तुम्हें वो बात भी है। क्या नाम बताया? जी रेशमा। रेशमा लखनऊ से? जी नहीं, दिल्ली से। दिल्ली से कैपिटल, तो दिल्ली का नाम रोशन करोगे? जी मैं हीरोइन बनूंगी ना। अब जब मैं हूं तो डर किस बात का? तुम्हें तो पता है इस इंडस्ट्री का कितना बड़ा स्टार हूं। जी इसीलिए मैं आपके पास यहाँ। तो दूर क्यों बैठी? पास आओ। जी मजाक कर, ओके? एनीवे मुझे थोड़ा चल के दिखाओ, क्योंकि क्या है ना कि आजकल लड़कियां बेसिक्स में फेल हो जाती हैं। सो कम ऑन। वेरी गुड, माइंड बहुत ही बढ़िया चाल है। ग्रेट पोस्चर, ग्रेट एटीट्यूड एंड अ वेरी गुड फिट। जी आप ये क्या कर रहे हैं? बस तुम्हें थोड़े करीब से देखने की कोशिश कर रहा हूं। वो क्या है ना कि एक्ट्रेस तो तुम्हें बना दूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ फीस तो देनी होगी। देखिए मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। Come on, Rishma. हर कोई लड़की पहली बार यही कहती है। It's okay. Let's have some fun. Can you, Rajiv, please? It's okay. इसमें घबराने की कोई बात नहीं। Please अब दूर रहिए। कुछ नहीं होगा। Can you, Rajiv, please? Just relax. It's okay. अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्लीज। एक मिनट, मैं तुम सबको बोल रहा है कि उसको छुड़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें बम हो सकता है। राइट, तुम लोग यही रुको, मैं देखता हूँ। अबे तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? बोला ना तेरे को उसमें बम हो सकता है। बम होगा तो उसमें से आवाज आएगी, टिक टिक टिक, घड़ी कैसी? मेरे को देखने दो। सुना नहीं उसे। इसमें आवाज नहीं है। हाँ इसमें आवाज नहीं है। तो फिर इसमें क्या है? आजकल पुलिस वाले जगह जगह रेड मार रहे हैं, इसमें ड्रग्स ही है। ब्लैक मनी, किसी ने इनकम टैक्स के डर से छोड़ दिया होगा। रुक जा, मैं खोलता हूँ। नहीं उसमें बम हो सकता है, बम हो सकता है उसमें। खोला नहीं उसे। पांच, चार, तीन, दो, एक। तो एक लड़की की बॉडी के पांच टुकड़े मिले हैं और ये सारे टुकड़े साथ में ही मिले हैं। इससे एक बात साफ है सर, खून करने वाला छुपाना नहीं चाहता था कि ये लड़की कौन है। एक सूटकेस में बॉडी फिट नहीं हो रही होगी, इसलिए टुकड़े कर दिए।
पर हमें पूरी लाश मिली है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि ये है कौन। यही बात है सर, मैंने इसका फुल बॉडी स्कैन किया है जिससे पता चल सके कि ये कौन है। सर, इसके दांतों में फिलिंग किया गया है, इससे इस लड़की का एड्रेस मिल सकता है। और कुछ भी मिला है दया? इसकी पैंट की पॉकेट में से एक पेपर मिला। पेपर? तो कहाँ है, दिखाइए। यस सर। ये देखिए सर। डिल्टन पी। ये डिल्टन पी क्या चीज है? देख सर, जरा कंप्यूटर में देखो, देखो ये डिल्टन पी से क्या क्या मिलता है। डिल्टन पी में 6 नाम मिले हैं सर। डिल्टन प्रेस्टन, डिल्टन पॉप, डिल्टन पॉलिएस्टर, डिल्टन पैलेस, डिल्टन पोर्ट और डिल्टन प्लैटर। सर, इसका लास्ट लेटर ई है। ई है तो सर डिल्टन पैलेस हो सकता है। डिल्टन पैलेस? सर वो होटल हो सकता है। ये लड़की उस होटल डिल्टन पैलेस में गई है। एक्सक्यूज मी, हम लोग CID से। CID से? हाउ कैन आई हेल्प यू सर? आपने इस लड़की को यहां देखा है? ये लड़की? सर आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या बात है रजनी? सर ये CID से आए हैं। हेलो सर, सर ये लड़की वही है ना जो 404 में मिलने के लिए आई थी? शक्ल से तो वही लग रही है। किससे मिलने आई थी? केनीराज जी से। कौन केनीराज? आप केनीराज जी को नहीं जानते हैं? इतने बड़े फिल्म स्टार है वो। ओह, वो केनीराज? वो यहाँ रह रहे थे क्या? जी नहीं, वो यहाँ आते जाते रहते हैं। उनका एक कमरा 404 नंबर जो है परमानेंटली बुक्ड है यहाँ। क्यों, वो अपने घर पर नहीं रहते? घर में भी रहते हैं सर और यहाँ पे भी रहते हैं। चलो किनराज जी से जाकर मिलते हैं। नहीं नहीं सर, सर वो अभी इस वक्त नहीं है, वो कल रात को ही निकल गए थे। रात को ही निकल गए? जी। क्यों, ससुराल में किसी के साथ झगड़ा हुआ क्या? वो तो नहीं पता सर, लेकिन जिस वक्त वो गए थे उनका मूड कुछ उखड़ा हुआ था सर। हमें कमरा नंबर 404 देखना है, चलिए दिखाइए। जी जी हाँ, कमरा नंबर 404 देखना है। ये केनीराज जी का मूड क्यों उखड़ा हुआ था? ये खून का मामला है, समझे? खून? क्या हुआ? कुछ नहीं। खोलो, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? जी डर क्यों रहे हो? केनीराज है अंदर? जी नहीं सर। तो फिर खोलो। सर कमरा एकदम साफ है। हाँ, देख बाथरूम के अंदर भी चेक करो। मैनेजर साहब जरा इधर आइए। जी जब आप कमरा साफ करते हो तो कौन सा वैक्यूम क्लीनर यूज करते हो? जी हाँ, मेरा मतलब है कौन सा वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हो, गोल वाला या लंबे पाइप वाला? जी वो गोल वाला। बदल डालो ये देखो
ये तो छोटी छोटी जगहों में जाता नहीं। यहाँ तो कमरे से भी ज्यादा साफ लगता है। क्या ये सर, ये तो किसी लड़की के कान की टूटी हुई बाली है। हाँ, देखा सर। आपको क्या लगता है कि यहाँ कुछ हुआ है? हाँ, शायद एक लड़की का खून। ये क्या कह रहे हैं सर आप? यहाँ पे खून? यहाँ एक लड़की आई थी, उसकी लाश मिली है हमें, कटी हुई लाश, समझे? आप सच कह रहे हैं सर? कल रात तुम्हारा जो भी स्टाफ का लड़का इस कमरे के रूम सर्विस की ड्यूटी पर था, उसे बुलाओ जल्दी। जी सर। रात यहाँ एक लड़की आई थी? जी साहब। तब तुम यहाँ आए थे? जी साहब, कैनी राज साहब के लिए जूस लेकर आया था। तब तक लड़की ठीक ठाक थी? लड़की ठीक ठाक थी तब तक? साहब, मैं कमरे के अंदर गया ही नहीं। कमरे में जो चल रहा था, मैंने सोचा कमरे के अंदर जाना ठीक नहीं। क्यों, क्या हो रहा था यहाँ पर? साहब, 8:15 बजे जब मैं जूस लेकर आया तो Come on, रेशमा। हर कोई लड़की पहली बार यही है। It's okay. Let's have some. Please छोड़ दीजिए मुझे। Please छोड़ दीजिए मुझे। तुम चीखती बहुत हो, लेकिन क्या फायदा, क्योंकि तुम यहाँ से तो कहीं नहीं जा सकती। और मैं यहाँ से भाग गया था साहब। भाग गए, वापस नहीं आए? बेवकूफ, उसकी जान बचा सकते थे तुम। आया था साहब 2 घंटे बाद। क्या देखा तुमने? कैनेरा साहब बाहर कॉरिडोर में घूम रहे थे, बहुत परेशान लग रहे थे सर। और वो लड़की? लड़की पता नहीं कहाँ थी, दरवाजा बंद था साहब। लेकिन तुमने उसे बाहर जाते हुए तो देखा ना? नहीं साहब। क्या सर, जल्दी से ढूंढो इस कैनेराज को। यस सर। और मैनेजर साहब, मैं तुम्हारे हर उस स्टाफ मेंबर को मिलना चाहता हूँ जो कल रात 8 और 11 बजे के बीच यहां ड्यूटी पर था। किसी ने तो देखा होगा उस लड़की को। इस कार्ड को देखो, कैसा कार्ड है ये? ये तो वैले कार्ड है। वैले कार्ड? इसका मतलब है लड़की यहां कार लेकर आई थी। वैले पार्किंग का इंचार्ज कौन है? इंचार्ज मैं हूं सर। जल्दी से जाओ और देखो, देखो ये गाड़ी अभी भी पार्किंग लॉट में है या नहीं। चाबी यही है, इसका मतलब है गाड़ी भी यही होनी चाहिए। सर, ये रही। ये वैन? जी। है या चलती फिरती लाइब्रेरी? इतने सारे मैगजीन्स, किताबें, न्यूज़पेपर्स। सर, हाँ, ये देखिए सर, प्रेस का स्टिकर, ताजा न्यूज चैनल। ये लड़की न्यूज चैनल की गाड़ी में क्या कर रही थी? आप इस लड़की को पहचानते हैं? ओह माय गॉड, आप पहचानने की बात कर रहे हैं? ये तो मेरी फैमिली मेंबर जैसी है। शक्ल तो जानी पहचानी लगती है, कौन है? कल रात इसका खून हुआ है। खून? हाँ, किसी ने उसके लाश के 5 टुकड़े करके एक सूटकेस में डाल के उसे रास्ते में फेंक दिया।
माय गॉड, ये किसने किया? आप लोगों ने मुझे इतनी डरावनी खबर सुनाई है कि स्पॉट ये लेके जा, तबीयत ही खराब होगी। नाम क्या था उसका? शायद रेशमा नाम था। नेहा, नेहा नाम था उसका, मेरी बेटी जैसी थी। नेहा करती क्या थी? हमारे लिए कभी कभी काम करती थी, वेरी स्मार्ट गर्ल। एक ही रात में भगवान के घर चली जाएगी, सोचा भी नहीं था। बेचारी। उसके घर पे खबर करनी है। फैमिली के बारे में कुछ मालूम है आपको? नहीं, बस इतना ही कह रही थी कि दिल्ली से है। मुंबई की लड़की है सर, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। मलाड में उसका फ्लैट है। होटल डिल्टन पैलेस में आपका एक स्वीट रूम है, वो आपसे वहां मिलने आई थी ना? हाँ। तो जब वो आपसे मिलने आई तो वहां पे क्या हुआ था? कल रात वो होटल डिल्टन पैलेस गई थी, ये तो मुझे पता भी नहीं। उसने नहीं बताया आपको? मुझे तो कह रही थी कि सारा दिन घर पे रहूंगी और टीवी देखूंगी। कह रही थी कि उसे टेलीविजन में कोई इंटरेस्ट नहीं, फिल्मों में काम करना चाहती। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कि न रंग न रूप हीरोइन कैसे बनूंगी। उसे तो बहुत बुरा लगा होगा ना? हाँ, रो रही थी, कुछ चीजें भी तोड़ रही थी। मैंने किसी तरह उसे ठंडा किया और बाय बाय कर दिया। बस और क्या बताऊं, बस यही मालूम है उसके बारे में। ओके मिस्टर कनीराज, हम चलते हैं। नाइस मीटिंग यू ऑफिसर्स। सेम हियर। ब्रजेश, 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 तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। ये सीआईडी कहां से आ गई बीच में? सर मैं खुद परेशान हूं सर, पता नहीं कैसे ये। पता नहीं या मेरी अर्थी उठी और तुम कह रहे हो पता नहीं? तुम मेरे सेक्रेटरी हो ना? यस सर, 100% सर। फिर काम क्यों नहीं? मैंने कहा था कि पैसे देके मामला रफा दफा करो तो। मैंने पैसे दिए सर, 10 लाख रुपए। तो काम क्यों नहीं हुआ? सीआईडी कहां से आ गई? पता नहीं सर। ब्रजेश पता नहीं, फिर पता नहीं। सॉरी सर। सॉरी सर, सॉरी बोल रहे मुझे बेशरम। गेट आउट फ्रॉम हियर। यस सर। जस्ट गो। यस सर। अब तक की कहानी कांच की तरह बिल्कुल साफ है। एक लड़की अपना नाम बदलकर फिल्म स्टार केनीराज को मिलने गई। वहां पर उसने कुछ ऐसी चीज रिकॉर्ड की थी जिसकी वजह से केनीराज की जिंदगी बर्बाद हो गई। केनीराज को जैसे ही पता चला कि वो लड़की अगर कमरे से बाहर जिंदा चली गई तो वो मारा जाएगा, उस लड़की का खून कर दिया। मगर सर, एक फिल्म प्रोड्यूसर और केनीराज का सेक्रेटरी उसी टाइम केनीराज के कमरे में गए थे। वहां उन्होंने कुछ नहीं देखा, ना लाश ना खून। उन्होंने लड़की को देखा था? नहीं सर। तो लाश या तो बेड के नीचे या फिर बाथरूम में छुपाई गई होगी। वो दोनों लोगों, सेक्रेटरी और प्रोड्यूसर, वो लोग कितनी देर तक थे केनीराज के साथ? ये कोई 15-20 मिनट बस। तो उन दोनों के जाने के बाद ही लाश को ठिकाने लगाया गया। अब कैसे ये पता नहीं, मगर लाश होटल में ही थी। लेकिन वो सीडी या टेप वो कहां गई होगी जिस पर उस केनीराज की रिकॉर्डिंग की थी? यार, सर मैं वही हूं जिसने आपको फोन किया था। फोन? कौन सा फोन? या 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 या, हाँ आओ 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 बैठो बैठो। क्या बात है भाई, फोन पे तुम बड़ी गोल गोल सी बातें कर रहे थे। इस डब्बे में ऐसी चीज है जो कि आपके चैनल को रातों रात नंबर वन बना सकती है। देखो भाई, हम 100 लोग मिलकर भी इस चैनल को नंबर वन नहीं बना सके। तो फिर तुम्हारा ये जो डब्बा है, ये डब्बा क्या कर सकता है? सर ये डब्बा नहीं, डब्बू का बाप है। आप देखेंगे, लेकिन पहले खोल के तो दिखाओ। नहीं, पहले पैसे। बिना देखे कैसे पैसे? सोच लीजिए सर, इस चीज के टेलीकास्ट के 1 घंटे के अंदर अंदर आप हीरो बन सकते हैं।
अच्छा बोलो तो सही कि इसमें है क्या। ठीक है कान में बताता हूं। I don't believe this. तो सर मैं चलूं या रुको? तुमने जो कुछ भी कहा वो सही है? 100%। तो मैं चलूं? नहीं एक मिनट। एक जीरो। ये फासल मुझे आपका सिक्योरिटी वाला बहुत चूचू कर रहा था। एक्सरे कराओ, स्कैन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये थमा दिया, कुछ नहीं मिला उसे। नाम क्या है? और अब जो आप देखने जा रहे हैं वो इंडियन टेलीविजन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये है सबसे खतरनाक स्टिंग ऑपरेशन। आज एक मशहूर फिल्म स्टार के चॉकलेटी चेहरे के पीछे छुपी असलियत दिखाई जाएगी। बेपर्दा किया जाएगा इंडस्ट्री की एक ऐसी हस्ती को जो खुद को इंडस्ट्री का सुपर स्टार बता रहा है। आइए देखिए फिल्म स्टार केनी राज के चरित्र का आईना। जी मैं हीरोइन बनूंगी। तुम्हें तो पता है इस इंडस्ट्री का कितना बड़ा स्टार। जी इसीलिए मैं आपके पास यहाँ। तो दूर क्यों बैठी हो? पास आ। इस घर में अपना ही तमाशा देखने को मिल रहा है। सर, सर, आपने मुझे बुलाया सर? जयेश, मैं दुनिया का पहला इंसान हूं जिसने अपनी शादी के लिए पैसे दिए। टीवी पे तमाशा देखा तुमने? देखा सर, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे। जयेश, तुम्हें कभी कुछ नहीं मालूम होता है। किसे पैसे दिए थे, किससे करवाया था काम? मिस्टर केनीराज, कौन से काम की बात कर रहे थे आप? मैं जानता हूं आप यहां क्यों आए, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उस लड़की का खून नहीं किया है। मगर टीवी पर तो आप ही कह रहे कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सर उस वक्त मैं गुस्से में था, जो भी मुंह में आया मैंने बक दिया। वो लड़की धोखे से मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी मैंने उसका खून नहीं किया है। नहीं नहीं, अब हम आपकी बातों में नहीं आने वाले मिस्टर केनीराज। सच सच बताइए क्या हुआ था। जी मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। उस रात में बहक गया था। कुछ नहीं, ये क्या मजाक है? आई मीन तुम प्रेस रिपोर्टर हो? क्यों निकल गई सारी अकड़? यहां लोग आते भी मेरी मर्जी से हैं और जाते भी मेरी मर्जी से हैं।
ये सब रिकॉर्ड हो चुका है और कल तुम्हारा तमाशा टीवी पे होगा मिस्टर सुपरस्टार। अब तुम्हारी फिल्मी लैंग्वेज में कहूं तो तुम अपनी आंखों से कल अपना तमाशा देखोगे। देखो I was just joking. I mean, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, really sorry. Please, वो टेप मुझे दे दो। वो टेप मेरे पास नहीं है और अगर होती भी तो मैं तुम्हें कभी नहीं देती। तुम जैसे दोगले लोगों के साथ ऐसा होना ही चाहिए। उसके बाद वो वहां से चली गई। चली गई? फिर तुमने क्या किया? सर उसके बाद मैंने किसी को पैसे दिए 10 लाख रुपए। कहा कि मामले को रफा दफा करो, एविडेंस मिटा दो। सर लेकिन मुझे क्या पता था कि एविडेंस मिटाने के चक्कर में वो उस लड़की को मार ही देगा। कौन था वो? किसे दिए थे पैसे? ताजा न्यूज के असिस्टेंट एडिटर मिस्टर कौशिक कुमार। कैनीराज कहता है कि नेहा का खून करके न्यूज दबाने के पैसे दिए हैं मुझे। जी हाँ। कितने? 10 लाख। किसको? आपको। झूठ बोलता है सर, उसने रुपए भिजवाए नहीं। अगर भिजवाता तो उसे पता चल जाता मेरे लिए न्यूज की कीमत रुपए से कहीं ज्यादा है। वही रुपया मैं उसके मुंह पे मारता सर। आपको नहीं तो फिर आपके किसी स्टाफ मेंबर को? मगर पैसे दिए हैं। कौन कहता है? कैनीराज। उसने खुद दिए? नहीं, उसके किसी आदमी ने दिए। तो फिर ये करतूत भी उसके उसी आदमी की होगी। उसने एविडेंस मिटाने के लिए पैसे दिए नहीं, साथ में नेहा को मरवा डाला और टेप ले जाकर न्यूज लाइन में बेच दी। डबल गेम खेल रहा है सर। टीवी न्यूज लाइन, सारे मामले की जड़ वहीं पर है। अभिजीत तुम और दया टीवी न्यूज लाइन में जाओ, आखिर पता तो चले कि वो टेप टीवी न्यूज लाइन को किसने बेची और वो टेप उसके पास आई कहां से। You're too good, sir. अब हमें नंबर वन बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे जब हमारे चैनल की टीआरपी सबसे ऊपर हो जाएगी ना तो देखना सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। Excuse me. सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत जी। विनायक जी, वो आदमी कौन था जिसने आपको कैनीराज वाली टेप दी है? इस वक्त मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता। क्यों? मामला अभी बहुत गर्म है, हर कोई उसी को ढूंढ रहा है। आप लोग 2 दिन के बाद आइए, मैं आपको उसकी सारी डिटेल्स दे दूंगा। ये खून का केस है, वो आदमी एक खूनी भी हो सकता है। उसका नाम प्रतीक है। Yes? हम लोग CID से। मिस्टर प्रतीक हैं घर पे? जी मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग थोड़े दिन बाद आ सकते हैं? जी नहीं, मामला बहुत सीरियस है। मुझे पता था आप लोग जरूर आएंगे। आइए अंदर आइए। आइए प्रतीक। प्रतीक CID वाले आए हैं। ये आपके सिर पे चोट कैसी? इस चोट और नेहा के खून में बहुत गहरा संबंध है। पहले इस चोट के बारे में सुनेंगे या खून के? तो तुम्हें पता है कि खून किसने किया और कैसे हुआ? नेहा जब डेल्टन पैलेस होटल गई तो मैं उसके साथ था। वो उस एक्टर के कमरे में गई और मैं दूसरे कमरे में रिकॉर्डिंग कर रहा था। ठीक है सर। जैसी नेहा उस एक्टर के कमरे से बाहर निकली, मेरे कमरे के दरवाजे पर एक नॉक हुआ। मैंने एक मिनट के लिए सोचा कि नेहा इतनी जल्दी कैसे आ गई, फिर भी मैंने दरवाजा खोला और अचानक किसी ने मुझ पर अटैक किया और मैं बेहोश हो गया। 2 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा है और नेहा भी वहां नहीं थी। मैंने नेहा का फोन ट्राई किया लेकिन वो आउट ऑफ रीच था और उस रिकॉर्डर से वो टेप भी गायब था सर। तो तुम कह रहे हो कि वो टेप चोरी हो गई, लेकिन वो टेप तो तुमने ही भेजी थी ना? हाँ। अटैक करने वाला नहीं जानता था कि मैं हमेशा 2 कॉपीज बनाता हूँ सर।
वो दूसरा रिकॉर्डर बेड के नीचे छुपा रखा था मैंने, जो कि उसे नहीं मिला। हमला करने वाला आदमी कौन था? सर मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन लेकिन वो गुंडा टाइप नहीं था बिल्कुल। वो तो इतना लंबा चौड़ा भी नहीं था, काफी सोफिस्टिकेटेड था सर। हाँ वो तो ठीक है, मगर डिल्टन पैलेस होटल वालों ने तो कहीं रिपोर्ट नहीं किया कि उनके किसी कमरे में खून पड़ा है। सर लिखवाते भी कैसे, कमरा अभी भी मेरे नाम है और मैंने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी थी कि मेरी एब्सेंस में उस कमरे में कोई ना जाए। क्या नंबर है कमरे का? 202। सर जरा चुपके चुपके से तहकीकात कीजिए, होटल की बदनामी हो रही है, कस्टमर्स होटल छोड़ के जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अपनी चोंच बंद रखो, इतना बड़ा हादसा हुआ है, तुम्हारे होटल का सारा स्टाफ अंधा बनकर बैठा है, ये हुआ कैसे है? चलो दरवाजा खोलो। सर चाबी अभी भी मेरे पास है। सर ठीक है। सर मैं यहाँ पर था और ये रिकॉर्डर मैंने इस बेड के नीचे छुपाया था रिकॉर्डिंग करने के लिए। सर इसका मतलब है तुम यहाँ पर खड़े थे जब तुम्हारे ऊपर हमला हुआ? नहीं सर, नहीं सर, मैं तो दरवाजा खोलने गया था सर, और जैसे ही दरवाजा खोला किसी ने मुझे सर पर मारा सर, उसके बाद मैं यहाँ पर गया हूँ सर। अच्छा, एक दो तीन चार पांच। मिस्टर प्रतीक, इतनी सारी चीजें आप होटल में कैसे लाए? सर हाथ में उठाकर सर। हाथों से? मुश्किल है। मुश्किल किस बात की सर, बैग में डाला और ले आया। ये कहो ना कि बैग में डालकर ले आए, जर देखो तो वो बैग। हाँ हाँ यही तो था। हाँ बैग यहाँ था सर। सर मेरे ख्याल से मैंने इसके हाथ में सूटकेस देखा था। कैसा था वो सूटकेस? सर वो पैरट ग्रीन कलर का बड़ा सा सूटकेस था, उसमें कुछ ब्लैक कलर के बड़े बड़े व्हील लगे हुए। सुना तुमने, उसी सूटकेस में हमें उस लड़की की लाश मिली, कटी हुई लाश। ये सब बकवास है सर, ये मैनेजर नशे में, इसने भंग पी रखी है, ये झूठ बोला है सर, ये सब झूठ बोल। आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए मैं बहुत बड़ा रिपोर्टर हूं, आप सबको फंसा दूंगा। सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने कोई खून नहीं किया सर। कोई खून नहीं किया तो फिर उस लड़की की लाश तुम्हारे सूटकेस में कहां से आई? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे कुछ नहीं मालूम, वो एडिटर और वो हीरो मुझे फंसाना चाह रहे हैं सर। ओह तुम्हें फंसाना चाहते थे, तुमने उनसे कुछ पैसे लिए क्या? नहीं, लेकिन दोनों मेरे पीछे पड़ गए सर। प्रतीक भाई देखो तुमसे कोई मिल गया है। बिना तुम नहीं प्रतीक, मैं तुम्हें इस मुसीबत में फंसा के नहीं भाग सकती। एसीपी साहब, नेहा का मर्डर मैंने किया है। क्या? तुमने किया है? हाँ, मुझे शक था कि प्रतीक और नेहा का फेयर चल रहा है, मैं बार बार इनके फोन चेक करती थी, और उस दिन जब प्रतीक बाथरूम में था तो नेहा का इनके मोबाइल पर एसएमएस आया।
मुझे 7 बजे डिल्टन पैलेस रूम नंबर 202 में मिलो। मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया और उस दिन जब प्रतीक उस कमरे में था। वेल डन नेहा, वेल डन। नेहा इतनी जल्दी आ गई? फोर्थ फ्लोर से सेकंड फ्लोर पक्का है क्या? ओह माय गॉड, ये बिना यहां कैसे पहुंच गए? मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता। देखो यहाँ बहुत खतरा है, प्लीज तुम्हें यहाँ से जाना होगा। प्रतीक, प्रतीक, देखिए आप प्लीज यहाँ से जाइए। आपको इस तरह से किसी के कमरे में नहीं घुसना चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरे घर में आग लगा दी है तुमने। एक नंबर की गिरे हुई लड़की हो तुम। देखिए मैं आपको ये सब बाद में समझाऊंगी, इस वक्त आप प्लीज यहाँ से जाइए। यहाँ पे जो भी हो रहा है आपका इसमें कोई रोल नहीं है। कैसे रोल नहीं है? मुझे मालूम है ये कमरा मेरे पति ने लिया है, प्रतीक ने, और मेरे अलावा यहाँ कोई और औरत नहीं आ सकती। देखो वो तुम्हारा पति तुम्हारे घर में होगा, यहाँ पे वो मेरा दोस्त। Do you understand me? मत, एक तो मेरे पति से अफेयर चल रहा है और ऊपर से चखाने के लिए मैंने सब कुछ किया, आज वो मुझे बचाने के लिए खुद फांसी में चढ़ने को तैयार है। प्रतीक, I love you, I love you प्रतीक, मुझे माफ कर दो प्रतीक। Thank you.